मधेपुरा के ग्राम पंचायत पुरैनी के वार्ड नंबर 7 में ग्रामीणों ने वर्तमान डीलर कुलानंद मंडल पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना रोष प्रकट किया। ग्रामीणों का कहना था कि डीलर समय पर राशन नहीं देते हैं, घर में जब महिलाएं होती है तो उनसे बिना कारण बताए अंगूठे के निशान लगवा लेते हैं और फिर उनका राशन कई महीनों तक गायब हो जाता है। हमें राशन मिलता भी है तो प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ 4 किलो जबकि हमें 5 किलो पर यूनिट मिलनी चाहिए। कोई कहता है मेरे पास राशन कार्ड होते हुए भी मुझे राशन नहीं मिलता है, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएं? तो किसी का आरोप है कि डीलर हमारे साथ मनमानी और बदतमीजी करता है। सर हम लोग गरीब आदमी है, डीलर के पास राशन लेने गए, पहले तो 3 महीना घर घर आकर के लेडीज का अंगूठा लेकर के कहता है क्या सरकार वाला पैसा आया है, वही सरकार वाला आपका खाता में पैसा आएगा अंगूठा दो। 3 महीना से अंगूठा ले गया है, राशन किसी के पास नहीं आया है। सर सरकारी राशन जो आया है 5 किलो, वो नंबर आता है 5 किलो जब लेने गए उस रोज राशन तो कहता है कि 4 किलो राशन मिलेगा। हम लोग बोले क्यों, जब सरकार वहां से गरीब को 5 किलो राशन भेज दिया है, हर एक वार्ड में 5 किलो मिलता है, यहाँ हमारे बगल में 8 वार्ड है इसमें 5 किलो मिला है, जब 5 किलो सरकार भेज दिया है तो 5 किलो मिलना चाहिए ना? तो कहता है नहीं 5 किलो नहीं मिलेगा, 4 किलो मिलेगा। राहत वाले में फ्री वाला में जब लेने गए ना डीलर के पास तो बोला कि 4 किलो होगा, लेना है लो, नहीं लेना है जहाँ जाना है जाओ। और हम लोग उसके बाद क्या किए, 30-40 आदमी मिल करके थाना प्रभारी के पास गए श्रीनगर, तो वहाँ पे जो गए तो नहीं था तो बड़ा बाबू तो छोटा वो था मुंशी था, उनसे रिपोर्ट लिखवाए तो वो जो है फिर आया नहीं तो वो पता नहीं क्या किया नहीं किया, वो बोला कि हम आगे कानून कार्रवाई करते हैं, आप लोग जा करके सो जाइए घर में जा करके। तो फिर आज 4 रोज हो गया, 5 रोज हो गया, कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ और कहीं बहुत बहुत जगह हम लोग फोन किए, सारे जगह फोन किए लेकिन कोई नहीं, यहाँ 5 रोज हो चुका है कोई नहीं कुछ करने के लिए, नहीं देखने के लिए, नहीं कुछ हम लोगों के लिए बारे में बोला। जब सारे सवाल का जवाब ढूंढने डीलर कुलानंद मंडल के पास पहुंचा तो उन्होंने सभी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मुझे बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि इस बार कच्चा और पक्का दोनों चावल मिला है लेकिन कंज्यूमर कच्चा चावल लेने को राजी नहीं है, सारे लोग पक्का चावल मांग रहे हैं। फिर काफी विचार करने के बाद आधे कच्चा और आधे पक्का चावल वितरण करने पर बात बनी। मैंने अपने क्षेत्र में वितरण भी किया लेकिन कुछ लोग बहस करने लगे और लड़ाई करने पर उतारू हो गए और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है? सरकार का जो आवंटन है वो अरवा और उष्णा दोनों आया है, उसको 5 किलो देना है, 3 किलो आवंटन है उसका शुरू से, तो दोनों मिला करके 8 किलो होता है, 8 मतलब एक आदमी पर 8 किलो जोड़ करके उसको आधा आधा करके दे देते हैं, उसी को लेने के लिए लोग कुछ लोग तैयार नहीं है, यही मैटर है ना, उसके बाद और कोई बात नहीं है, यही अरवा उसना का मैटर है, अरवा हम 5 किलो लेवे करेंगे। इसी तरह ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर भगवती के वार्ड नंबर 12 के ग्रामीण सड़क पर उतर आए, सभी अपने अपने हाथों में राशन कार्ड लेकर प्रभार डीलर अमर कुमार पर कई तरह के आरोप मढ़ने लगे। कोई कहता कि मेरा राशन कार्ड को जानबूझकर रिजेक्ट कराया गया, तो कोई कहता कि अमर कुमार अब डीलर नहीं वह तो हिटलर हो गया है। सभी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर मुझे राशन क्यों नहीं दिया गया, आखिर मुझे कब मिलेगा इंसाफ? नहीं दिलकै 5-6 महीना से हम लोग चावल किया, कहे छे जे राशन की कहे छे गड़बड़ी छे नहीं देबे रे, ये पर की कहे छे अथी के साफे ने फिंगर नहीं ले छे तो हे ही नहीं ले छे, हे उ नहीं ले छे, साफे देबे ने करे छे, जाचे मांगे ले तो फटकार के भगा दे छे। जी दिक्कत 3 बरस से हमरा कोटा में चावल नहीं दिलकै, आ बार फिर के ले होत नहीं दिलकै, कुछ होन दिलकै हमरा। अंग्रेज कुमार जो है वो बोलता हमको राशन नहीं देंगे, कार्ड वाले के बिना जिसको एक्टिवेट नहीं उसको नहीं देंगे, और 1100 रुपया बोरिज करके सब आदमी को किस कोई जाता है 1100 बोरिज करके सब आदमी चावल बेच लेता हो ब्लैक से और राशन किसी ने तो आम जनता आक्रोश में है, फिर भी राशन देने से उन यार वो जहाँ फोन करना है वहाँ करो, हम नहीं देंगे राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं लॉकडाउन में फंसे लोगों को दिल खोलकर मदद कर रहे हैं।
इसी को संज्ञान में लेते हुए प्राइवेट ट्रस्ट फलाह मिल्लत फाउंडेशन ने सैकड़ों लोगों को मदद के लिए आगे आए। गुरुवार को ट्रस्ट ने पुरैनी में हफ्तों से फंसे खानाबदोश प्रजातियों को राशन बांटे, पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव किया, लोगों में एंटी कोरोना मास्क बांटे और अंधेरा दूर करने के लिए LED वेपर लाइट लगवाए। संस्था अध्यक्ष मोहम्मद मंजर ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से अवगत कराते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर संभव प्रयास के पाठ पढ़ाया। लाभ पाकर लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंजन आने के बाद हम लोग फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, हम लोग दाना के लिए पानी के लिए तबाही हुए हैं। तो हम लोग को जो है अभी राहत मिला है, अभी दाना मिला है, समझे, हम लोग बना करके खाएंगे। हाँ, इस बात से हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग जो है चाहते हैं यही कि हम लोग को ऐसे मिलते रहे कि अपने परिवार में हम लोग बांट के खाते रहें और जीते रहें। फलाह मिल्लत फाउंडेशन जो गरीबों के लिए हम सब काम करते हैं और इसी तरह से हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि काम करते जाएं। जो अभी हम लोग पैकेज बनाया है, इंशाल्लाह इस पैकेज को बांटने के बाद कोशिश करेंगे कि और भी हम लोग पैकेज बनाएं और ऐसे ऐसे जहाँ भी गरीब लोग हैं उनको हम सब मदद करें। मधेपुरा से इकबाल और शमशाद के साथ व्यावर्स न्यूज़ की रिपोर्ट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।